यूपी के गाजीपुर जिले के गहमर गांव में बुधवार को एक बच्चे ने मछली पकड़ते वक्त तालाब से निकली एक अजीब चीज देखी। मछली पकड़ने के लिए तालाब में कांटा डालने वाले बच्चे ने जब इसकी रस्सी खींची तो इसमें ग्रेनेड फंसा मिला। तालाब के पानी के अंदर से ग्रेनेड मिलने की सूचना पर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। पानी के अंदर विस्फोटक होने की आशंका में गांव के लोगों ने तत्काल पुलिस से मदद मांगी। ग्रामीणों की सूचना के बाद गहमर कोतवाली की पुलिस ने हरकत में आते हुए तमाम अधिकारियों के साथ गांव का दौरा किया। हालांकि इस ग्रेनेड को देखने के बाद अधिकारियों ने बताया कि ये बहुत पुराना है। यहाँ क्या पे आए हो? यहाँ पर बम था, इसी में मछली मार रहे थे, मिला। कैसे पहचाने तुम, क्या है वो? हम पहचाने नहीं, हम मतलब हम एक और था लड़का मार रहे थे तो वो कहा, कुछ बोला कि बम है तो हम खींचने लगा तो मैं वो कहा फेंको फेंको तो हम फेंक दिए वहाँ पर। फेंकने के बाद फिर निकल कर भागने लगे तो फिर आए यहाँ पर देखे तो फिर एक लड़का आया तो फिर कहा कि चलो लेकर दिखाते हैं किसी को तो दिखाएं। तो ग्रेनेड को बरामद करने के बाद इसे जमीन में दफन कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि ये जो ग्रेनेड बरामद किया गया है इसमें जंग लगा हुआ है। गाजीपुर के एसपी ने कहा कि इसे फिलहाल जमीन के अंदर दबा दिया गया है और बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी इसकी जांच के लिए बुलाया गया है। देखिए, ये जो गहमर में हैंड ग्रेनेड मिलने की आप बात कर रहे हैं उस समय मैंने इंस्पेक्टर से बात किया है, ये बहुत पुराना, इसमें जंग लग गई है। इसमें एक लड़का मछली पकड़ रहा था तालाब में तो वहीं तालाब से ये मिला हुआ है तो उसको ला करके थाने में दे दिया गया है। हमने थाने में जमीन के अंदर उसे ढक दिया है और अब हम बम स्क्वाड डिस्पोज को इसकी सूचना दे रहे हैं, पर देखने में ही लग रहा है कि ये बहुत पुराना है और ये बिल्कुल डमी है। सर क्या लगता है कैसे वहाँ पहुँचा होगा, अगर डमी भी है तो कैसे पहुँचा कुछ सब? अब देखिए, अभी तो हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है लेकिन मेरा अनुमान है कि गहमर में बहुत सारे लोग मिलिट्री में हैं तो ये अपना लाए होंगे किसी दिखाने के लिए, है वो डमी ही।